नमस्कार, सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं रीवा जिले के एक ऐसे पेंटर से जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू कर दिया और आज वो पेंटिंग्स में नए कीर्तिमान लगातार रच रहे हैं। टाइगर्स की पेंटिंग और हूबहू शक्ल को उतार देने की क्षमता उनके पास है। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे कलाकार से जिनका नाम है विकास वर्मा। सबसे पहले विकास जी, मेरे एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। विकास जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिलेगी, ये पेंटिंग की जो यात्रा है कहाँ से आपकी शुरू हुई, कब लगा आपको कि अरे नहीं मैं तो बहुत बड़ा पेंटर बन सकता हूँ? हाँ, शायद आपने स्कूल से शुरुआत की, लेकिन लोगों की शक्ल कब अपनी पेंटिंग में उतारने लगे? जी मैं बचपन से ही पेंटिंग कर रहा हूँ, और जैसे कि मतलब हम लोग सरस्वती जी, जैसे हम लोग सरस्वती स्कूल में पढ़ते थे, देख के वहाँ बनाया करता था। जब मैं श्रवण कुमारी में आया तो हम लोग गवर्नमेंट कंपटीशनों में भाग लिया और उसमें मेरा रैंक आने लगी, तो स्कूल की तरफ से भी और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उसके द्वारा मैं चालू किया। और उसके बाद जब जियो आया तो उसके बाद हम लोग को नेट के बारे में पता चला, हम लोग ने देखा कि यूट्यूब में इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो मैंने वहाँ से प्रेरणा लेके अपनी वीडियो स्टार्ट की और अब मैं मतलब कि अब इस तरह की पेंटिंग बनाता हूँ। नहीं, जैसे आपने बताया कि स्कूल से आपकी शुरुआत हुई और स्कूल में आप पेंटिंग करना शुरू कर दिए थे और आपने जो वहाँ की जो प्रतियोगिताएं जो स्कूल स्तर पर होती थी, शासकीय प्रतियोगिताएं, वहाँ भाग लेते थे। जब स्कूल में थे तो किसमें पेंटिंग करते थे हमारे जो सर? ये पहले तो वाटर कलर से पेंटिंग किया करता था। हम लोग क्या है कि ज़्यादा नॉलेज नहीं था आर्ट के बारे में, तो हम लोग ना ही कलर के बारे में जानते थे, ना ऑल कलर, ना अकेली कलर के बारे में। हम लोग जो सीधे 10 या 20 रुपए की जो पहले डिब्बियाँ आती छोटी छोटी, उससे हम लोग पानी में मिला के वाटर कलर उसमें से पेंटिंग बनाया करते थे स्कूल में। आप एक जो स्कूल का स्तर होता है वाटर पेंटिंग कलर में आप बनाते थे पेंटिंग, लेकिन मैंने देखा कि आपने एक कमरे को पूरी तरह से सजा दिया है पेंटिंग्स करके और आप लगातार स्केच बोर्ड में स्केचिंग भी करते हो, पेंटिंग्स भी करते हो। और हमने देखा है कि अमूमन ऐसे लोग जो पेंटिंग्स करते हैं वो रीवा के आसपास नहीं, पहले ऐसे आप व्यक्ति हो जो ऐसी पेंटिंग्स करते हो। जी आप इस तरह कह रहे हैं इसके लिए थैंक यू, लेकिन ये सब प्रेरणा मुझे यूट्यूब के द्वारा मिली है। मैं यूट्यूब में जो वीडियो देखता हूँ, जो बाहर के लोग हैं जिस तरह की पेंटिंग करते हैं, उनसे प्रेरणा लेके मैं इस तरह की पेंटिंग करने की कोशिश करता हूँ। आपके घर परिवार में पहले कोई पेंटर्स था या इस तरह का माहौल था? नहीं, या सिर्फ आप खुद ही स्वयं ऐसा करने लगे? नहीं, कोई माहौल नहीं था। अब बताया आपको कि स्कूल में अगर रैंक लगने के कारण स्कूल में जैसे टीचरों ने भी बहुत सपोर्ट किया और हम लोग को असेंबली के सामने खड़ा करके नाम लिया गया, अनाउंसमेंट हुआ, तो वहाँ से प्रेरणा मिली और मैं पेंटिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा। और जैसे जैसे गवर्नमेंट कंपटीशन होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो रैंक अगर आ जाती थी जैसे, तो उससे प्रेरणा, बहुत ज़्यादा प्रेरणा वहाँ से मिली है मुझे। विकास जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? और चूँकि ये जो पेंटिंग्स का काम है वो बड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप कोई एक पेंटिंग बनाते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, और 4x6 में बनाते हैं या 2x2 में बनाते हैं, तो कम से कम 600 से 700 रुपये एक पेंटिंग में लग जाते हैं, तो ये कहाँ से सब हो पाता है, कौन सहयोग करता है, कैसे कर पाते हो? परिवार का सपोर्ट है या और कोई रिसोर्स है? परिवार भी सपोर्ट करता है, लेकिन अगर कहीं भी कोई काम करने के लिए मौका मिलता है मुझे या फिर वॉल पेंटिंग करने के लिए, तो मैं बेसिकली वहाँ पर पेंटिंग बनाता हूँ। और इसके अगले साल की शादियों में भी मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है दीवारों में, और वहाँ से मुझे अर्निंग आती रहती है पैसे की। और अगर ये कहना है कि जो मैं शादियों में बाल पेंटिंग करता हूँ और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं तो यहाँ लगाते हो आप खुद, यहाँ पे एक बोर्ड बना के वहाँ पे पेंटिंग्स तैयार करते हो, आपकी ऐसी कोई पेंटिंग्स आप बताइए जिसमें काफ़ी आपको सराहना मिली हो, काफ़ी उत्साहवर्धन आपका लोगों ने किया, कोई एक दो पेंटिंग्स हैं हमारे दर्शकों को बताओ? अभी तो फिलहाल लेटेस्ट पेंटिंग यही है जो से टाइगर वाली है, अभी इसको हम लोग ने ऑडिटोरियम में भी रखा था तो वहाँ सबसे अच्छी मानी गई इस पेंटिंग को। और तो और इसके अलावा भी शेयर की हैं, और उसके अलावा मोनालिसा की पेंटिंग थी,
और बाकी मेरे स्केचेस हैं, आप यूट्यूब चैनल विकास आर्ट और इंस्टाग्राम में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मेरी पेंटिंगों को। यानी आपका एक यूट्यूब चैनल भी है विकास आर्ट के नाम से, और इंस्टा पे भी आपका अकाउंट? नहीं, इंस्टा में सिर्फ पेज है, उसमें मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ उसकी फोटो खींच के उसमें अपलोड करता हूँ। विकास जी चूँकि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और रीवा जैसी जगह में इतना छोटा बच्चा बहुत कुछ कर रहा है पेंटिंग के क्षेत्र में, मेरा सबसे अनुरोध है सभी दर्शकों से, इनका एक यूट्यूब अकाउंट है जो विकास आर्ट के नाम से है, तो अधिक से अधिक लोग उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इनकी पेंटिंग्स, जो नई नई पेंटिंग्स ये करते रहते हैं समय समय पर और अपने वीडियो डालते रहते हैं, तो हमारे जो नए लड़के हैं, जो यूथ हैं, जो पेंटिंग्स में जिनका इंटरेस्ट है, तो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल को देख के। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इनके यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक देखें। विकास जी ये बताइए कि अभी आपने लोगों की शक्ल भी आप अपनी पेंटिंग्स में उतार देते हैं, अभी तक किन किन लोगों की शक्ल उतारी है अपनी पेंटिंग? यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएंगे तो 5-6 पेंटिंग मैंने लाइव पेंटिंग की है, उसमें से आप जाके देख सकते हैं कि मैंने किस किन की पेंटिंग बनाई है। मैंने एक छोटे बच्चे की भी पेंटिंग बनाई है और अविनाश तिवारी, उन्होंने भी, उनकी भी मैंने अपने चैनल में लाइव पेंटिंग बना के अपलोड किया है। यानी अविनाश तिवारी की पेंटिंग की है जो बघेली के सुपरस्टार कहे जाते हैं, तो आप लाइव पेंटिंग भी करते हैं जी? यानी जिनको खुद आके अपनी हूबहू शक्ल उतरवानी हो तो आके आपके पास बैठ जाए और लाइव पेंटिंग कर दो? जी, सामने बैठे हैं अगर तो मैं उनकी लाइव पेंटिंग बना के बना सकता हूँ। 2-3 पेंटिंग मैंने उसमें यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है लाइव पेंटिंग। मेरी कब बनाएंगे आप लाइव पेंटिंग? अच्छा, आप कहें जब आप जी। आगे की क्या कार्य योजना है? जैसे हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पेंटर्स पेंटिंग्स बनाते हैं, फिर वो एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग लगाते हैं, या जिस तरह से अभी यहाँ पे फिल्मांकन चित्रांकन में भी कुछ लोगों ने लगाया था, तो ऐसा अवसर मिला आपको कि किसी एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग लगाई हो और वो सेल आउट हुई हो? नहीं, अभी तो ऐसा, मतलब पेंटिंग तो लगाई है, तो मैं दतिया भी गया था 2019 में, उसके बाद अभी अपने ऑडिटोरियम में भी प्रदर्शनी लगी थी, लेकिन अभी तक मेरी पेंटिंग सेल नहीं हुई। मैं आगे चल के भविष्य में यही चाहता हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग को इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करूँ। रिप्रेजेंट करूँ। और क्या है आगे की जो आपकी कार्य योजना है, किस तरह से और बेहतर करना है पेंटिंग्स के क्षेत्र में, या और साथ में अल्टरनेटिव बनना है? अभी तो पेंटिंग भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। लेकिन क्या है, घर वाले तो नहीं कहते कि कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, कुछ और करो, क्योंकि आमदनी अभी उस हिसाब से हो नहीं रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ जी, ऐसे है सर, थोड़ा हो तो क्या, तैयारी भी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की, पढ़ाई भी करता हूँ धीरे धीरे, और इसीलिए तो इन पेंटिंगों को मतलब कि पूर्ति नहीं कर पाता हूँ पैसे, इसीलिए थोड़ा लेट बनाता हूँ, महीने में एक पेंटिंग बनाता हूँ और अपने चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर मतलब कहीं से भी सोर्स हो तो मैं पेंटिंग बनाता रहूँ अपने यूट्यूब में, और ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग बना के चैनल में अपलोड करूँ। कुछ दिनों में मैं अपने चैनल में ये सिखाऊँगा कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कुछ दिनों में ये सिखाएंगे भी कि ये किस तरह से पेंटिंग्स तैयार की जाती है, क्या कहते हैं उसको टेक्निकल सब, लर्निंग लेक्चर टाइप का, कि किस तरह से हाउ टू ड्रॉ, मतलब कि किस तरह से पेंटिंग बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं लोगों को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे ही ये कलर करके हम यूज करके इस तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। यानी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक लाइव लेक्चर भी देंगे और ये बताएंगे कि कैसे पेंटिंग्स करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो जो बच्चे अगर पेंटिंग में अभिरुचि रखते हैं, जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कुछ पेंटिंग्स के क्षेत्र में करना चाहते हैं, इनके यूट्यूब अकाउंट से जुड़े रहें और ये आने वाले समय में पेंटिंग सिखाएंगे भी लोगों को, क्योंकि ये खुद सीख चुके हैं और लगातार पेंटिंग्स कर रहे हैं, और देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग इन्होंने टाइगर्स की है, और अभी हमने इन्होंने दिखाया भी है कि अभी हमने सिर्फ टाइगर की है, लेकिन आगे जो कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो भावना भी व्यक्त करेगी, ऐसी कोई पेंटिंग्स आपने अभी तक बनाई? अभी तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन आगे चल के बनाऊंगा इस तरह की पेंटिंग जो व्यक्त करें, भावनाओं को व्यक्त करें। मैं ये तो ये अगर इन पर्टिकुलर ये पेंटिंग को देखी जाए तो ये पेंटिंग सिर्फ फाइन आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। फाइन आर्ट जी। तो अभी इन्होंने बताया, हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि जो ये पेंटिंग्स बनाए हैं ये सिर्फ फाइन आर्ट को व्यक्त करती है, लेकिन हम आगे और भी पेंटिंग बनाएंगे जो भावना को भी व्यक्त करेगी।
अगर हम बात करें बिंद की, और बिंद में रत्नों की भरमार है और हर क्षेत्र में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको देखकर हस्तप्रद रह जाएंगे आप। और उसमें से एक ऐसी ये भी प्रतिभा है जिन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसी ऐसी पेंटिंग्स की हैं, हालांकि अभी उनको उस स्तर का प्रमोशन नहीं मिल पाया है और उस तरह का सपोर्ट भी नहीं मिल पाया है कि जिससे ये और बेहतर कर पाएं। लेकिन हम जैसे लोग इनसे रूबरू होते रहेंगे और इनको समय समय पर इनको प्रोत्साहित भी करते रहेंगे, क्योंकि ये जो इनके पास कला है ये अद्वितीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक दिन ये बहुत बड़े पेंटर होंगे। तो समय समय पर हम इनसे रूबरू आपको कराते रहेंगे, इनकी अपडेट्स आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए।